है एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लस सुनी के व्लॉग्स पर एक बार फिर से वार्मली वेलकम। और आज हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है तो मैं उसका व्यू दिखा रही हूँ आपको। बारिश हो रही है, पूरा गीला हुआ पड़ा है। आपको नित्या बार बार बोल रही है मम्मी मेरे साथ फोटो ले लो फोटो ले लो, छप छप कर रही है। अच्छा जी, तो आज आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम ऑरेंज के छिलकों की कैंडी बनाने वाले हैं। तो चलिए इसके लिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक ऑरेंज का छिलका लिया है, इसे मैं अभी क्लीन कर रही हूँ। इसमें से रेसे रेसे होते हैं, इनको निकालना है और इसे साफ़ कर लेना है अच्छे से, क्योंकि ये रेसे कैंडी बनने पर अच्छे नहीं लगते हैं, धागे धागे जैसे अलग दिखते हैं, इसलिए इनको अच्छे से क्लीन कर देना है और सिर्फ छिलका छिलका यूज़ में लेना है। आप अगर ऑरेंज के छिलकों की कैंडी बनाओ तो पूरा पका हुआ ऑरेंज लेना। मेरे पास पूरा पका हुआ ऑरेंज नहीं था, इसलिए मैंने आधा कच्चा और आधा पका ऑरेंज लिया है। छिलके आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि पके हुए ऑरेंज की कैंडी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। वैसे तो ये वाली कैंडी भी कड़वी नहीं लग रही थी क्योंकि मैंने इसे दो बार बॉइल्ड करा था, पर आप पूरा पका हुआ ऑरेंज ही लेना यूज़ में। ये देखिए, मैंने इसको पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब मैं इसकी चॉपिंग करूँगी। मैं इन्हें स्क्वायर शेप में काटूंगी। अगर आपको जो कोई सा भी शेप पसंद है आप उस शेप में इन्हें कट कर सकते हैं। आप इन्हें ऐसे लंबे लंबे छिलकों में भी कट कर सकते हैं, पर मैं इन्हें स्क्वायर शेप में छोटी छोटी कैंडी बनाऊंगी कुछ इस तरीके से। ये मैंने थोड़ी सी काटी है और अब इस तरीके से मैं पूरी कट कर लूँगी। ये एक फटाफट बनने वाली रेसिपी है, इससे आपके ऑरेंज के छिलके का भी यूज़ हो जाएगा और ये एक अच्छे माउथ फ्रेशनर का काम करती है। अगर आपका मुंह कड़वा हो रहा है या आपके मुंह का टेस्ट बिगड़ रहा है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये मैंने सारे छिलकों को कट करके रख लिया है। अब चलिए इसकी तैयारी करते हैं जल्दी से। ये मैंने कुछ इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है, आपको जो शेप पसंद है आप उसमें कट कर सकते हैं। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 कप पानी लिया है, आप इतना पानी लें कि उसमें छिलके अच्छे से डिप हो जाएं। ये मैंने 2 कप पानी लिया है क्योंकि मैंने एक ही ऑरेंज ली थी, इसलिए 2 कप पानी बहुत था। अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ और हमें पानी को उबलने तक का वेट करना है। जब पानी उबल जाएगा तब हम उसमें छिलके ऐड करेंगे। पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब ये देखिए, पानी अच्छे से उबल चुका है। अब मैं इसमें ऑरेंज के छिलके ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें सारे छिलके ऐड कर दिए हैं, अब इन्हें अच्छे से उबालना है। ये फ्लेम मैंने लो कर दी है, लो फ्लेम पर ही इन्हें पकाना है। ये देखिए, अच्छे से उबल चुके हैं और मैंने इनका पानी अलग कर लिया है। अब मैं इन्हें फिर से एक बार उबालूंगी, क्योंकि ये मेरे आधे कच्चे और आधे पक्के ऑरेंज के छिलके थे तो थोड़े कड़वे लग रहे हैं। अगर ज़्यादा कड़वे लगे तो आप इन्हें 2 बार भी उबाल सकते हैं, पर ध्यान रखें कि इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हम जब चाशनी बनाएंगे तब भी इन्हें और पकाएंगे इसलिए। अब ये देखिए, मैंने दूसरी बार भी उबाल लिया है, इसका भी मैंने पानी अलग निकाल लिया है। और आप इस पानी को रूम फ्रेशनर के लिए यूज़ कर सकते हैं, या मच्छर मक्खियाँ ज़्यादा हो रहे हैं तो वहाँ पे भी स्प्रे बोतल में भरकर स्प्रे कर सकते हैं, तो मच्छर मक्खियाँ नहीं आएंगे। और इस पानी को आप बहुत सारा यूज़ कर सकते हो, तो आप इस पानी का भी यूज़ कर लीजिएगा। अब ये मैंने उबाल के इनको ठंडा होने के लिए रखा है छिलकों को। देखिए, आधा कच्चा आधा पक्का पकाना है इन छिलकों को। अब मैं इसके लिए चाशनी रेडी कर रही हूँ। तो मैंने 2 बड़े टेबल स्पून शुगर ली है। अगर आपको छोटी स्पून से मेज़रमेंट करना है तो आप 4 छोटे चम्मच शुगर लीजिएगा। ये मैंने इसमें ले ली है। अब इसमें मैं 1/2 कप पानी ऐड करूँगी। ये मैंने 1/2 कप इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसे मैं गैस पर तब तक पकाऊंगी जब तक कि शक्कर अच्छे से गल ना जाए, पानी के अंदर मेल्ट ना हो जाए, तब तक इसे मैं अच्छे से चलाते हुए पकाऊंगी। आपने इसमें पानी ज़्यादा ऐड ना करना है, नहीं तो फिर शक्कर की चाशनी जो है बहुत सारी बच जाएगी।
ये देखिए मैंने इसे अच्छे शक्कर मेल्ट हो चुकी है तब तक पकाया है। अब मैं इसके अंदर उबले हुए छिलके ऐड कर दूंगी जो कि अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। आप ध्यान रखें कि इस छिलकों को ठंडा होने के बाद ही इसमें ऐड करें, और जब शक्कर के पानी में छिलके डाल दें तो आप फ्लेम को लो कर दें, नहीं तो ये इस तरीके से बर्तन जलने लगेगा। मैं वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा सा भूल गई थी तो फ्लेम मैंने बाद में करी थी, अभी से अच्छे से ढक दिया है मैंने। इसे बार बार चेक भी करते जाना है नहीं तो छिलके चेटेंगे। अब ये मैंने कैंडी की कोटिंग के लिए एक 1 बड़े टेबल स्पून शुगर ली है। अब मैं इसमें कैंडियाँ हो चुकी है, सॉरी मैं आपको कैंडियों को मैंने जब चाशनी में डिप किया था तो बताना भूल गई, क्योंकि एकदम चेटने लग गई थी इसलिए मैं बताना भूल गई। देखो कैंडियाँ है ना चिपचिपी रहती है क्योंकि हमने इस पर शुगर की चाशनी चढ़ाई है, इसलिए ना इसे आप खोपरे के बूरे में या फिर शक्कर में या फिर शक्कर के बूरे में इस तरीके से लपेट सकते हैं जिससे कि ये ड्राई होने पे चिपचिपी नहीं रहेगी। और या इसकी जगह पर आपके बच्चों को चॉकलेट पसंद है तो आप चॉकलेट मेल्ट करके भी उसमें भी डीप करके फ्रीज़र करके रख सकते हैं तो भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए सारी कैंडियाँ इस तरीके से बनकर रेडी हो चुकी है, ड्राई होने पर ये कैंडियाँ बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं रहेगी और बहुत ही अच्छी सूखी सूखी जैसे कि बाज़ार की कैंडियाँ रहती उस तरीके से हो जाएगी। और मुझे ये रेसिपी बहुत 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 पसंद आई, अगर आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, और फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए।